और भाई लोग क्या हाल है। तो उम्मीद है तुम लोग मजे में होगे यार। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, हम लोग आज हैकर क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। हैकर क्लास वही मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। ऊपर साइड में अगर आप देखोगे तो हैकर क्लास के बारे में बताया गया है इंग्लिश में, फलान जेखान जो भी है लिखा हुआ है, तो मैं आप लोग को समझा दूंगा। और नीचे में देखोगे कि हैकर क्लास आपका कैसा दिखता है। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो बता दूं कि जो लोग भी चैनल पर नए आए लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब करो यार, इससे मोटिवेशन मिलता है और लाइक किया करो, इससे भी अच्छा लगता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, तो आप लोग सपोर्ट दिखाया करो भाई, ताकि मैं नए नए कॉन्टेंट ऐसे बनाता रहूँ। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो हैकर क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे, हैकर के जो पर्स आपको मिलेंगे अगर आप जब इसका यूज़ करोगे उसके बारे में बात करने वाले हैं, और इसके क्या फीचर्स हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बता दूँ कि हैकर क्लास जो है यार, मैं अभी स्क्रीन पर लगा दूंगा, यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा नीचे वाला स्लॉट है वहाँ पर 6 बंदों को आप ब्लॉक कर सकते हो, मतलब हैक कर सकते हो। और जो ऊपर वाला क्लास है वो डिस्ट्रॉयर है, वहाँ पे अगर कोई ऑपरेटर इसके लिए कोई बंदा यूज़ कर रहा है, अब ये बॉम्ब पे वर्क करता है कि नहीं करता है ये मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अगर कोई ऑपरेटर स्किल कोई बंदा यूज़ करता है तो वो 6 ऑपरेटर स्किल्स को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब उसे हैक कर देगा। तो उसका कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर तो नहीं ही आने वाला है, कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला है। ये हो गया इसका बेसिक काम जो ये हैकर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि मान लो कि आप किसी घर में पुश कर रहे हो, वहाँ पे कोई स्क्वाड है, उन्होंने ट्रैप मास्टर लगा के रखा हुआ है, आपने हैकर क्लास यूज़ किया, अब वो ट्रैप मास्टर को क्या करेगा कि हैक कर लेगा, और वहाँ पे डिस्ट्रॉयर में आपका है डिस्ट्रॉयर जो आपका ऊपर वाला जो स्लॉट है मैंने जो अभी आपको पीछे दिखाया, वहाँ पे ट्रैप मास्टर का सिंबल बनेगा और उसे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, और अगर कोई वहाँ पे बंदा है तो उसे भी वो ब्लॉक कर देगा। अब जब वो बंदे को ब्लॉक करते हैं, मतलब जब हैकर क्लास आप यूज़ कर रहे हो, तो जब वो बंदा वहाँ पे दिखाता है ना कि नीचे स्लॉट में कि ब्लॉक कर दिया गया, हैक कर लिया गया, तो उस बंदे के साथ क्या क्या होगा, उस बंदे के साथ ये होगा कि उसका जो मिनी मैप है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा और वो अपने वेपन्स को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। मैंने टेस्ट किया, जो यहाँ पे तो मैक्सिमम बॉट ही मिलते हैं, तो जो बॉट होते वो फायर कहीं और ही कर रहे थे, मतलब कि फायर ही सही से नहीं कर पा रहे थे, जिससे ये पता चला मुझे कि आप सही से अपना वेपन यूज नहीं कर सकते। और वैसे भी इन्होंने लिखा भी हुआ है कि जो भी इसके गैजेट हैं, मतलब कि जो भी उनके एनिमी के जो गैजेट होंगे वो सही तरीके से वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हो गया। ऑपरेटर स्किल भी गैजेट में ही आता है, तो ऑपरेटर स्किल तो कतई भैया आप नहीं यूज़ कर सकते। मतलब अगर ये सब सारी चीज़ें ये कर रहा है तो ये क्लास जो है ये बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है, मतलब भाई रिकॉर्ड ब्रेक। अगर आपकी टीम में कोई बंदा हैकर यूज़ कर रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी सबको हेल्प होगी, टीममेट्स को भी आपको हेल्प होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पर्क के बारे में। इसका पर्क ये है कि अगर आप इस हैक देखो पर्क मतलब ये है कि कोई भी क्लास आप यूज़ करते हो तो उसके साथ एक पर्क मिलता है जो आपको प्रिवेंट करता है कोई एक स्पेसिफिक चीज़ से। जैसे देखो ये वाला अगर क्लास आप यूज़ करोगे तो इससे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी बंदा या फिर कोई भी एनिमी आपके मिनी मैप को ब्लॉक नहीं कर सकता, प्लस आपकी जो रेडार है आपकी जो लोकेशन है वो बंदे को जल्दी नहीं पता चलेगी, मतलब कि एग्जैक्ट आप कहाँ से फायर कर रहे हो वो उसे नहीं दिखेगा। इससे इसका पर्क ये है। अब देखो यहाँ पे ये साला बॉट बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हैं यार, मतलब कि इन्होंने बॉट पे भी बहुत सही काम किया है, समझे। तो ये चीज़ आपको पर्क में मिलने वाला है। अब बात करते हैं हैकर क्लास जो है वो अगर मैं रैंक करूँ बाकी क्लास के मुकाबले तो मतलब इसकी रैंक ठीक ठाक आएगी यार, क्योंकि ये देखो 6 बंदों को कवर कर रहा है, 6 बंदों को कवर कर रहा है जो हैक कर सकता है, और इससे आपके टीममेट्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 6 बंदों को हैक कर रहा है, प्लस यार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब सामने वाला, सारे क्लास ओपी हैं लेकिन जब सामने वाला बंदा भी अगर क्लास यूज़ करता है तो आपको दिक्कत तो होती है ना। तो अगर सोचो अगर सामने वाला कोई भी बंदा शील्ड वगैरह यूज़ कर रहा है और आपने हैकर क्लास यूज़ किया, हैकर क्लास आपने यूज़ करके रखा हुआ है, हाँ अपग्रेड करने के बाद इसका जो इफेक्ट का टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, मतलब आपने यूज़ कर लिया, अब वो बंदा अगर कोई भी चीज़ यूज़ करता है तो उसके लिए
समस्या हो जाएगी या फिर आप सेव रहोगे। तो मैं जैसे समझाता हूँ एग्जाम्पल तौर पर, जैसे मान लो कि आपने हैकर क्लास यूज़ किया, किसी बंदे के पास सील्ड है, थोड़ी देर बाद आया वो आपके सामने सील्ड यूज़ किया, तो आपको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपने उसके वो सील्ड जो ऑन करेगा वो हैक हो जाएगा पूरी तरीके से। तो समझ सकते हो कि ये क्लास की क्या वैल्यू होने वाली है, मतलब कि ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को पूरी तरीके से चेंज कर देगा भाई, ये समझो ये चीज़। और अभी तो बीटा में चल रहा है, बीटा में चीज़ें अभी अनस्टेबल ही रहती हैं, सोचो जब ये ओरिजिनल में हमारा वहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आएगा सच में, तो मतलब क्या ही मज़ा आने वाला है यार। और बाकी यहाँ पे और भी सारे पर्स ऐड हो गए हैं बीआर में, जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दो बंदे मेरे आसपास हैं तो इसने उसे ब्लॉक कर दिया, कोई भी डिस्ट्रॉयर मतलब कोई भी ऑपरेटर इसके किसी ने यूज़ नहीं किया है तो उसे उससे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो दो बंदे मैं जा रहा हूँ, बॉट ही रहते हैं सारे, तो इनको पहले ख़त्म किया जाए। एक और है तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या होता है ना, ये लोग जब फायर करते हैं मतलब कोई बंदा फायर करता है तो आपको गोली भी सही से नहीं लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा करीब जाओगे तब जाके आपको गोली लगेगी, नहीं तो जो उनके बुलेट्स हैं वो भी आपको लगते नहीं हैं। तो ये मतलब पूरी तरीके से वेपन को भी हैक कर लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा ओपी क्लास होने वाला है यार ये। और उम्मीद है कि तुम लोग को मतलब समझ में आया होगा कि ये क्लास एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैंने सारा चीज़ इसमें कवर कर दिया, इतनी सारी चीज़ें थी। अगर कोई चीज़ नया पता चलता है तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इससे रिलेटेड बता दूंगा। और एक चीज़ बताना था कि अगर कोई भी अगर आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कैसा लगा वीडियो। अब यहाँ पे एक और बंदा है जो मैंने हैक कर लिया इसे, अब देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। और बाकी आने वाली जो वीडियोस जो नए आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आगे भी नए अपडेट लाता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और बाकी आप लोग मज़े करो और यार स्टे सेफ, घर में ही रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।